सीन वन, टाइम 25th सेंचुरी, प्लेस म्यूजियम, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। एक हिस्टोरियन है जो कि म्यूजियम के बीचों बीच खड़ी है, स्पॉटलाइट उस पर है, और वो कहती है, आप सबका हमारे म्यूजियम में स्वागत है और आप हैं 20वीं सदी के कलेक्शन में। इस सदी को एरा ऑफ बुक्स मतलब किताबों का युग भी कहते हैं, क्योंकि इस सदी में हर चीज़ के लिए किताब होती थी, चीटखोरों से लेकर जूल तक। जूल मैं आपको यहाँ बता दूँ, जूल एक अफ्रीकी समुदाय है आदिवासियों का। किताबों ने लोगों को कैसे, कब और कहाँ और क्यों किसी काम को अंजाम देना है सिखाया, और लोगों का पढ़ा लिखा और सुंदर बनाया। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दे के रखिए। पर जो चीज़ सबसे अनोखी थी कि कैसे एक किताब ने किया, वो था पृथ्वी को बचाना। क्या तुमने 2040 की मार्टियन घुसपैठ नहीं पता? क्या तुमने वो नहीं पढ़ी? आजकल भला वो तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? चलो, पता है वो घुसपैठ असल में हुई ही नहीं, क्योंकि एक अकेली किताब ने उसे रोक दिया। क्या थी वह किताब जानते हो? ना वो कोई इंसाइक्लोपीडिया थी, ना वो कोई रोकीडिया मिसाइल बनाने की किताब थी, ना वो कोई सीक्रेट आउटर स्पेस की फाइल थी, बल्कि वो तो एक नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये लड़की है तो वहाँ पे एक प्रोजेक्टर जैसी मशीन को चालू करती है, फिर हमें सीन देखने को मिलते हैं नया। सो हमें यह नया सीन देखने को मिलता है, एक थिंक टैंक नाम का एलियन है जिसका सिर बहुत बड़ा है, वो स्टेज के बिल्कुल बीच में बैठा है। उसके आसपास तारे से तारे लगे हुए हैं, उसके ड्रेस पर भी बहुत लगे हुए हैं, और वो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। उसके पास उसका एप्रेंटाइस खड़ा है। एप्रेंटाइस वो होता है जो कि एप्रिसिएशन के लिए रखा जाता है। जैसे पहले के टाइम पे किंग्स अपनी एप्रिसिएशन के लिए एक एप्रेंटाइस रखते थे, जो कि उनके आने से पहले ये बताता था कि राजा अधिराज महाराज ये पधार रहे हैं। तो उसी तरह का एक एप्रेंटाइस उनके पास में खड़ा है, और वो है नूडल। और नूडल कहता है, हे महान थिंक टैंक, पूरे ब्रह्मांड के सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल क्रिएचर, आपके ऑर्डर्स क्या हैं? थिंक टैंक कहता है, थोड़ा गुस्से से कहता है, कि तुमने मेरे सल्यूटेशन का एक पार्ट छोड़ दिया नूडल, पूरी चीज़ को वापस से बोलो। सैल्यूटेशन होता है मतलब जो हम किसी को सल्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारा सैल्यूटेशन हुआ, हम जिस बात को बोल रहे हैं वो सैल्यूटेशन हुआ। तो नूडल कहता है, ये ज़रूर होना चाहिए सर। फिर नूडल एक गाना सा गाता है कि हे ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, मंगल और उसके दो चांदों के सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर पूरे ब्रह्मांड के, और करता है, आपके ऑर्डर्स क्या हैं? थिंक टैंक कहता है, ये अच्छा था नूडल, मैं चाहता हूँ कि तुम स्पेस प्रोब से मेरी कम्युनिकेशन करवाओ, मैं उस रेडिकुलस प्लैनेट को अपने जनरस रूलरशिप के अंदर लेना चाहता हूँ। तुम क्या कहते थे उसे? नूडल कहता है, अर्थ महाशय, अर्थ। थिंक टैंक कहता है, अर्थ, हाँ बिल्कुल। कितना अजीब जगह, इतनी अजीब जगह है वो। पर उससे पहले मेरा शीशा, मैं अपने शीशे से वार्तालाप करना चाहूँगा। नूडल कहता है, ये ज़रूर होना चाहिए महाशय। तो उसको वो पकड़ा देता है शीशा। तो थिंक टैंक कहता है, ये थोड़ा इंग्लिश में ही राइम करता है, हिंदी में ही राइम करता नहीं है। मिरर मिरर इन माई हैंड, जो मिरर मेरे हाथ में है, हु इज़ द मोस्ट, मिरर मिरर इन माई हैंड, यानी वो मिरर जो मेरे हाथ में है, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बींग इन द लैंड, यानी कि सबसे ज़्यादा कमाल का दिमाग किस बींग को गिफ्ट किया गया है पूरे लैंड पर। तो वो पीछे से एक आवाज़ आती है, थोड़ी देर में आती है, आप माश है। तो थिंक टैंक थोड़ा गुस्से से कहता है, जल्दी आगे से मुझे जल्दी जवाब देना, मुझे कोई स्लो मिरर बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है, ओह कित ये रहा मैं, हम मार्टिन्स कितने हैंडसम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं उन बेकार अर्थ में रहने वाले छोटे छोटे सिर वाले लोगों से। नूडल, तुम भी अपने दिमाग को एक्सरसाइज करके रखा करो, एक दिन देखना तुम भी मेरे जैसा बैलून जैसा बड़ा दिमाग होगा तुम्हारा भी। नूडल कहता है, शायद महाशय, शायद मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। थिंक टैंक कहता है, चलो मुझे स्पेस प्रोब से कॉन्टेक्ट करवाओ, मैं उस
बॉल ऑफ मड यानी कि कीचड़ की बॉल को, अर्थ को, अपने लंच से पहले अपने अंडर में लेना चाहता हूँ। नूडल कहते हैं ये ज़रूर होगा माशे। फिर वो कुछ स्विच बोर्ड्स को इधर उधर करता है, हिलाता है, मतलब बटन बटन दबाता है बहुत सारे। उसके बाद उसकी कॉल लगती है साथ में, ठीक है। फिर पर्दा बंद होता है, पर्दा फिर से खुलता है, तो वहाँ पे हमें दिखता है कैप्टन ओमेगा है जो वो सेंटर में खड़ा है और एक ड्रॉर को वो थोड़ा बार बार बंद कर रहा है, खोल रहा है, बार बार बंद कर रहा है, कंफ्यूज है वो बहुत ज़्यादा। और ल्यूटेंट आयोटा है जो उसके लेफ्ट में खड़ी है, अपने बुक केस में एक बुक्स को काउंट कर रही है कितनी है। और सर्जेंट ऊप है वो राइट में खड़ा है, वो क्या कर रहा है, एक बुक को क्लोज कर रहा है, बंद कर रहा है, कभी खोल रहा है, बंद कर रहा है, ठीक है। और उसे उल्टा सीधा करके देख रहा है, उसे हिला के देख रहा है। फिर रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग से उन, मतलब उन पेजेस को ऐसे छू के देख रहा है, हिला के देख रहा है उन पे अपना हाथ, और अपना सिर हिला रहा है। उसको कुछ समझ